એફબી સમાન એકેડેમી વેસુ દ્વારા 14મી ફેબ્રુઆરી વેલેન્ટાઇન્સ ડેની ઉજવણીને બદલે પુલવામા અટેક શહીદોને કારગિલ ચોક પર જઈને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી। વેસુ સ્થિત એલપી સમાન એકેડેમી શાળાના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા 14મી ફેબ્રુઆરીના રોજ યુવાધન જ્યારે વેલેન્ટાઇન્સ ડેની ઉજવણી કરતો હતો ત્યારે શાળાના વિદ્યાર્થીઓ એકસાથે મળી એક અનોખી રીતની ઉજવણી કરી। પુલવામા એટેક દરમિયાન 14 ફેબ્રુઆરી 2019 ના રોજ શહીદ થયેલા 40 જેટલા શહીદ જવાનોને યાદ કર્યા, તેમને શ્રદ્ધાંજલિ પણ અપાઈ। सुप्रभात, मैं नेहा सिंह एलपी सवानी इंग्लिश मीडियम स्कूल से आज उपस्थित हूँ अपने सभी विद्यार्थी और टीचर्स के साथ में अपने शहीदों को होमेज पे करने के लिए। आज ही के दिन 5 साल पहले पुलवामा अटैक में उन शहीद हो गए थे, उनको याद करते हुए आज हम सब यहाँ प्रेजेंट है, उपस्थित है। बच्चों को आप यहाँ पर लाए हैं, आप बच्चों को क्या समझाना चाहते हैं? उन्हें मैं ये समझाना चाहती हूँ कि वो बहुत ही अपने भारत के लिए, अपने कंट्री के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। कुछ भी होता है, कैसी भी स्थिति होती है, एक ऑर्डर से वो आ जाते हैं, इसलिए हमें भी उनकी तरह बनना चाहिए और उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। कैसे वो लड़ते हैं, कैसे वो अपने देश की सुरक्षा करते हैं, हम सो रहे होते हैं पर तो भी वो आधी रात को भी जागते हुए रहते हैं। तो इसी वजह से आज हम यहाँ पर आए हैं अपने हीरो को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। कितने बच्चों के साथ आप यहाँ पर आज ये शहीद दिवस मनाने आए हैं? ऑलमोस्ट हमारे पास अभी फिलहाल में 70 बच्चे हैं जो यहाँ पे आए हैं होमेज पे करने के लिए। और ये आज वैलेंटाइन डे है, आपने शहीद दिवस मनाना ही क्यों उचित समझा? वैलेंटाइन डे मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा नहीं है, वो आज है कल नहीं है, लेकिन हमारे जो शहीद है वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, इसलिए वी हैव टू बी हियर फॉर देम, वी हैव टू बी प्रेजेंटेड। आप दूसरे बच्चे को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है, जैसे वो हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं वैसे हाथ में हाथ मिला के हमें भी उनके जैसा बनना चाहिए और उनके जैसा काम करते रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल आई विटनेस, सूरत।